नमस्ते दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग और फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने अमेजोन से और एक पौधा जो है मंगवाया है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो जो है आज बना रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ये जो है ये फनस का पौधा है, कटहल जो इसे बोलते हैं। हम लोगों ने एक दिन इसका बीज भी लगाया था। तो ये जो है ये पौधा आया है, यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये ऊपर का जो है ये शायद बॉक्स में नहीं आ रहा था, इसलिए शायद ये यहाँ से डैमेज हो रहा है। तो ये तो आ जाएगा, इसको एक दो चार दिन में हम लोग जो है ज़मीन में लगा देंगे। पहले तो दो चार दिन में यहाँ पे रखेंगे। जैसे कल हम लोगों ने ये इलायची का पौधा जो है इसको सेट होने के लिए हमारे टेम्परेचर या क्लाइमेट में, तो इसको ऐसे ही रखा है, तो इसको भी दो तीन दिन जो है ऐसे ही रखेंगे। अगर किसी को ये जो पौधा है ऐसे पौधा खरीदना है तो ये अमेजोन से मिल सकता है। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह से है, इसको भी छोड़े हैं। ये जितने सारे पौधे हैं ये आते हैं वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ पे जो है उनका मिट्टी बहुत अलग है। हम लोग जैसे मिट्टी बनाते हैं वैसा मिट्टी वहाँ पे नहीं रहता, वो सैंड शायद ज़्यादा यूज करते हैं। और हमारे यहाँ पे मिट्टी बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है। लेकिन मैंने आज तक जितने सारे पौधे मंगवाए हैं सब पौधे जो है मेरे अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी गीला भी है, तो ये अच्छी तरह से लग सकता है। तो इसको दो चार दिन रखते हैं तो पौधा तो एकदम अच्छा है, फ्रेश है एकदम, मतलब आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।